आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 9 और काम मेरा निपट गया है सुबह सुबह का। आज है अक्खा तीज, तो हमारे यहाँ अक्खा तीज पर हम बनाते हैं खिचड़ी। तो चलिए, खिचड़ी वैसे आप चाहें तो शाम को भी बना सकते हैं, पर ज़्यादातर सुबह ही बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी बना लेते हैं, और पहले तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, नहीं तो बाजरे की खिचड़ी बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो चलिए अभी झटपट खिचड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं, बाकी का काम मेरा निपट गया है। इमाम दस्तम तो मन काल मिर्च कुट्टी थी, उखड़े में कुट्टांगे। फिर मुसल भी साफ करना पड़ेगा। ले आऊं तो जी, ये है मुसल, हमारे यहाँ इसको मुसल बोलते हैं। ये पुरानी चीज़ें हैं, पहले तो खाना बनाने के लिए इन्हीं का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। आजकल बस किसी खास त्यौहार पर, जैसे कि आज अक्खा तीज है, तो खिचड़ी बनाने के लिए ही, ज़्यादातर खिचड़ी बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी तो मिर्च वगैरह भी हम लोहे के इमाम दस्ते में कूट लेते हैं, और वो उखड़ है, हमारे यहाँ तो उखड़ मुसल बोलते हैं, बाकी कुछ और भी बोलती होंगी। यो भी सारा तेल का भरा है, इस पर तेल लगा के दे रहा था ना, पट्टा कोनी का ना, रेत का भरा है। मैं इतना बाजरा साफ कर लूं, बाजरा मैंने साफ कर लिया है, और अभी कूट लेते हैं। खिचड़ी को कूटने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। पहले एक बार कूट कर इसकी जो राड़ी बोलते हैं, जो ऊपर थोड़ा बहुत छिलका रहता है, वो निकालते हैं, उसको हमारे यहाँ देसी भाषा में राड़ी बोल देते हैं, वो निकालेंगे। उसके बाद फिर खिचड़ी कूटेंगे। बाजरे की खिचड़ी हमेशा ऐसे ही बनाई जाती है, अगर हम बाजरे के ऊपर की जो छिलका होता है वो नहीं निकालते हैं, तो फिर खिचड़ी नहीं बनती है। तो मैंने थोड़ा सा बाजरा साफ़ करके उखड़ में डाल दिया था, तब तक ये लग गए हैं कूटने के लिए, और थोड़ा सा और ये साफ़ करके रख दिया है। 1 किलो बाजरा लिया है मैंने, और हम जब भी बाजरे खिचड़ी बनाते हैं तो बस 1 किलो ही बाजरा लेते हैं, उसी में हमारा आराम से काम चल जाता है, बल्कि काफ़ी रहती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये देसी खाना है, कभी कभी बनाते हैं तो थोड़ी बहुत इधर उधर देते भी हैं। बाजरे खिचड़ी बनाई है तो ये रहता है कि खिचड़ी बनाई थी तो घर परिवार में देकर भी आते हैं, तो वैसे 1 किलो बाजरा काफ़ी हो जाता है, इसमें 2 टाइम आराम से काम चल जाता है। और हमारे यहाँ हम बाजरे खिचड़ी 2 टाइम ही खाते हैं। अभी मैं थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ, इस बार हमारे यहाँ चने ख़त्म हो गए हैं और नए चने अभी तक आए नहीं हैं, तो ये बिल्कुल थोड़े से चने रखे हैं। ये 1 दिन मैंने पहले दाल बनाई थी, वो 2 दिन बना ली, वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी थोड़ी सी दाल और बना ली है खिचड़ी में डालने के लिए। और खिचड़ी में हमेशा चने की दाल ही डाली जाती है, और वो भी थोड़ी सी ज़्यादा। 1 किलो बाजरा लेती हूँ तो उसमें 1/2 किलो चने की दाल डालती हूँ, क्योंकि खिचड़ी में असली टेस्ट जो होता है वो दाल से ही आता है, तो दाल थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली जाती है। अभी दाल मैंने बनाकर तैयार कर ली है, और रात की चक्की का यही फ़ायदा है कि झटपट दाल बनकर तैयार हो गई। बड़ी चक्की में हम दाल बनाते हैं तो हमें काफ़ी सारे चने चाहिए होते हैं, रात की चक्की में ये है कि थोड़ा सा भी हमें बनाना होता है तो हमारा काम चल जाता है। अभी दाल को फटक कर साफ़ कर लेते हैं, और तब तक इन्होंने खिचड़ी भी कूट दी है, अभी इसकी जो राली है वो निकाल लेंगे, उसके बाद फिर खिचड़ी कूट लेंगे। खिचड़ी कूटने में टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता ही है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी तैयारी में लगे थे, पर पहले ध्यान नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि आज अक्खा तीज है, नहीं तो सुबह सुबह ही खिचड़ी वगैरह कूटने का काम कर लेते। अभी पता चला कि आज अक्खा तीज है, तो फिर मैंने सोचा चलो खिचड़ी तो बनाएंगे ही। वैसे ज़्यादातर आजकल मूंग चावल की खिचड़ी बना लेते हैं, पर परंपरागत तरीके से देखा जाए तो बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है। हमारे यहाँ तो हमेशा हम बाजरे खिचड़ी ही बनाते हैं, सुबह नहीं बनाते हैं तो कभी कभी शाम को बना लेते हैं, पर ज़्यादातर खिचड़ी सुबह ही बनाई जाती है अक्खा तीज को। वैसे हम नॉर्मली घर में खाने के लिए बनाते हैं तब तो शाम को बनाते हैं, क्योंकि शाम को हम घी और दूध के साथ खा लेते हैं, और सुबह फिर लस्सी दही के साथ खाते हैं। ये खिचड़ी लस्सी दही के साथ खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी ये देखिए खिचड़ी कूट ली थी, अभी इसका जो ऊपर का फोलर होता है, छिलका होता है, वो मैं निकाल देती हूँ, और उसके बाद फिर इस बाजरे को हम उखड़ में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर खिचड़ी कूट लेंगे। हमारे यहाँ तो हम बाजरे खिचड़ी कुछ ऐसे ही बनाते हैं, पहले तो बल्कि डेली 1 टाइम खिचड़ी खाई जाती थी, 1 टाइम
रोटियां बनती थी, चाहे मूंग चावल की हो या फिर बाजरे की हो, पर ज्यादातर पहले एक टाइम बाजरे की खिचड़ी ही बनाई जाती। माँ बताती है कि एक टाइम हम हमेशा बाजरे की खिचड़ी बनाते थे, आजकल बहुत कम बनती हैं ये सारी चीज़ें। या फिर ये लगा लीजिए कि हम सर्दियों में कभी कभी बना लेते हैं एक दो बार, पर अक्खा तीज को तो हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनाई जाती है, स्पेशली बाजरे की। तो ये तो खिचड़ी का ही त्यौहार है। तो जी अभी खिचड़ी को तो मैंने ढककर रख दिया है बाजरे को, और तब तक मैं ये पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ये मैंने जो हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं वही पानी लिया है। इस पानी में सब्जी बड़ी अच्छी बनकर तैयार होती है और पकती भी थोड़ी सी जल्दी है। जैसे हम बोरिंग वगैरह का पानी लेकर आते हैं ना, उससे ये पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी जो मैंने ये दाल साफ़ की थी, इसको धोकर पानी भरकर रख देंगे ताकि हमारी दाल थोड़ी सी फूल जाए। चना दाल जब भी बनाते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए भिगो कर तो रखते ही हैं, और कुकर में तो जल्दी बन जाती है, पर हम डेगची वगैरह में बनाते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। पर खिचड़ी भी इतनी जल्दी बनकर तैयार नहीं होती है, उस हिसाब से दाल और बाजरा दोनों साथ साथ पक जाते हैं। तो जी अभी मैंने ये देखिए पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि खिचड़ी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। पानी अभी हमारा गर्म हो गया था, तो अभी इसमें मैंने ये दाल डाल दी है, और साथ में डाल देंगे नमक, और पानी को हम रख देंगे उबलने के लिए। पानी हमारा उबलता रहेगा तब तक हम खिचड़ी कूट कर तैयार कर लेंगे। एक बार पानी मैंने चूल्हे पर ही रख दिया है गर्म होने के लिए, ताकि थोड़ा सा जल्दी पानी गर्म हो जाए, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ बनाने में। पहले तो पता नहीं था, नहीं तो सुबह सुबह तैयारी करते। और पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम खिचड़ी को रख देंगे आहार में। खिचड़ी हमेशा आहार में ही बनाई जाती है, चाहे हम मूंग चावल की बनाएं या फिर ये बाजरे खिचड़ी लगा लीजिए, आहार में जो हम खिचड़ी बनाते हैं वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं, और जितना हम ज़्यादा देर पकाएंगे उतना ही टेस्ट इनका ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी खिचड़ी मैंने कूट कर तैयार कर ली है। चलिए अभी पानी भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अभी हम खिचड़ी को डेगची में डाल देते हैं। और खिचड़ी जब भी बनाए, स्पेशली बाजरे की खिचड़ी, तो इसका यही हिसाब होता है कि डेगची में डालते रहें और साथ साथ चलाते रहें। ऐसे हम जैसे दाल वगैरह कोई भी चीज़ डालते हैं ऐसे डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, जो फिर बाद में पिघलती भी नहीं है और खिचड़ी खाने में अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसमें बस थोड़ी थोड़ी करके डालते रहें और मिक्स करते रहें। खिचड़ी हमेशा ऐसे ही डाली जाती है, बल्कि पहले हम बनाते थे, माँ बनाती थी तो डो ही रखती थी, या फिर जो दूध बिलोने की जेरनी होती है, जेरनी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो ले लेते थे हम, तो उससे खिचड़ी को मिक्स करते थे। माँ डालती रहती थी, मैं मिक्स करती रहती थी। आज मैंने इतनी ज़्यादा खिचड़ी तो बनाई नहीं है, कम ही बनाई है। तो जी अभी हरा लगाकर मैंने खिचड़ी को तो रख दिया है आराम में बनने के लिए, और अभी नहा धोकर करेंगे पूजन की तैयारी। उससे पहले मेरा जो एक दो काम बाकी है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि बस सुबह सुबह का काम निपटा लिया था, उसके बाद जो एक दो काम मेरा रह गया था वो मैंने छोड़ दिया था कि बाद में करेंगे, पहले खिचड़ी कूट कर खिचड़ी रख देते हैं बनने के लिए। बनेगी तब तक मेरा सारा काम निपट जाएगा। आज मैंने दूध गर्म नहीं रखा है, क्योंकि मैंने खिचड़ी रख दी है आराम बनने के लिए, तो ये दूध मैंने सोचा कि चलो फ्रिज में रख देते हैं, शाम को गर्म कर लेंगे। वैसे अभी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा दूध नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा होता है, वो भी मैं आराम रख देती हूँ गर्म करने के लिए। क्योंकि आराम हम दूध गर्म करते हैं तो दही लस्सी घी तीनों चीज़ बड़ी ही अच्छी बनते हैं बनती हैं। हम चूल्हे में दूध गर्म करते हैं ना, तो इतना अच्छा घी नहीं आता है, और वो दही भी खाने में अच्छी नहीं लगती है। आराम हम दूध गर्म करते हैं उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो लाल दूध रहता है वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी अभी काम मेरा हो गया था, उसके बाद फिर नहा धोकर अभी मैं लग गई हूँ पूजन की तैयारी में। और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर और मिट्टी से लीप लें। अभी मेरी तो रसोई भी पक्की है, और जो कच्ची रसोई है उसमें बहुत तेज़ की धूप हो गई थी, तो मैंने ये गैरू ले लिया है, पहले गैरू से लीप कर और उसके बाद फिर हम आटे से ये चौकी बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले तो गोबर और मिट्टी से ही लिपाई की जाती थी, अभी सबके मकान पक्के हो गए हैं तो गैरू से थोड़ी सी चौकी बना ले, और उसके बाद फिर आटे से ये हम चौकी बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसके पूजन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं रखते हैं, सिंपल सी पूजा होती है बिल्कुल ही।
वैसे तो अक्खा तीज पर चांदी भी खरीदते हैं, जैसे हम दिवाली पर खरीदते हैं, धनतेरस पर चांदी खरीदी जाती है, वैसे अक्खा तीज पर भी चांदी खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी का बजट हो तो खरीदें, अगर बजट ना हो तो जो घर पर रखा है उसी से पूजन कर लें, क्योंकि आज के टाइम में चांदी और सोना इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि खरीदना हो ही नहीं पाता है। तो जी किसी के पास पैसे हैं तो खरीद ले, नहीं है तो मेरी तरह घर से ही काम चला ले। हम तो दिवाली पर लेकर आते हैं चांदी के सिक्के, तो मैंने वही रख लिया था, और ये मेरे पास चांदी के लक्ष्मी गणेश है वो रख लिए थे। अभी खिचड़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और पूजन की तैयारी करूँगी अभी मैं। और इसके पूजन में हम जैसे कि हमारे यहाँ तो कमोई बोलते हैं, ये कमोई रख ली है मैंने, घर पर कोई भी फल फ्रूट हो तो वो रख लें, मैंने चीनी रखी है, नहीं तो आप मीठे में चीनी या मिश्री कुछ भी रख सकते हैं, थोड़ी सी चना दाल रख लेते हैं, और जो मैंने खिचड़ी बनाई है वो रखी है। तो लक्ष्मी गणेश का भोग लगा देते हैं, और तिलक करने के लिए हल्दी ले लें, चंदन हो तो घर पर आप चंदन ले सकते हैं, नहीं तो हल्दी ले लें, और बस सिंपल सा पूजन होता है, भगवान को भोग लगा देते हैं। और पूजन मेरा हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अभी थाली लगाने के लिए। तो जी आज तो मैंने एकदम गांव का प्योर देसी स्टाइल ब्रेकफास्ट बनाया है, खिचड़ी और साथ में देसी घी, थोड़ी बहुत दही और लस्सी भी ले लेते हैं। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।